They are showing crap. They are showing crap. And it is because of, you know, gems of Bollywood and such other Twitter handles that, you know, now people are starting to wake up and realize, you know, ki itne saal hum logon ne jo dekha, it was, you know, slow poison. Roj ek glass doodh mein ek drop poison mila ke de raha tha. So that we change our opinion and our thought process with regard to Hindu customs and traditions. A pujari is supposed to be, a pujari is a very sacred thing in Hinduism. They were trying to make us think that a pujari is nothing but a havaska pujari or something of that sort. So that is what they were trying to pump into us all these, through all these years. What they were trying to show about, you know, the peaceful people and what the reality is of peaceful people, that we are now seeing when YouTube and Twitter and news channels have started, to ab humko reality pata chalne laga hai. But they are finished. They are almost finished. If they are thriving, see what is happening here, sir, is बॉलीवुड का जो ब्लैक मनी मिलता है वो ब्लैक मनी वालों का और हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ने वालों का ये युद्ध है. सलमान खान इज अ पॉन. सलमान खान एंड शाहरुख खान आर पॉन्ड. दे आर यूजिंग देम. दे आर ट्राइंग टू शो अस कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. बट दे ऑल्सो नीड टू नो दैट वी आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. वी आर ऑल्सो इन गुड नंबर्स एंड हमने पूरी तरह से अपना मन बना लिया है टू फाइट दिस. वी आर रेडी फॉर अ लॉन्ग बैटल. हमने 40,000 लीटर डीजल भर के हम लोग निकला है. हमको मालूम है कि ये बहुत लंबा सफर है एंड वी आर स्ट्रांग इनफ एंड वी आर डिटरमिंड इनफ टू फिनिश दिस ऑफ. वी आर ऑलमोस्ट, वी आर सक्सेसफुल. वी आर सक्सेसफुल. दीज पीपल आर ट्राइंग टू शो दैट कुछ हुआ नहीं है. नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है. दे आर रियली डाउन इन द ड्रेन. एंड आई डोंट नो सम पीपल वेदर दे नो रिगार्डिंग अ ट्रूथ अबाउट सलमान खान इज दैट ही इज गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट एवरी टाइम टू लंडन. उसको बहुत बुरी तरह से उसका, इट इज़ अ न्यूरो प्रॉब्लम और उसका बहुत हालत खराब है. इट गिव्स हिम, बहुत दर्द उसको देता है एंड उसका ट्रीटमेंट के लिए वो बार बार वहाँ जाते रहता है. आई होप पीपल, मेनी पीपल नो और डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट. उनका बहुत हालत खराब है. आमिर खान खत्म हो गया. वेर इज आमिर खान? नो वेर. सलमान एंड शाहरुख समहाउ ट्राइंग टू सर्वाइव, बट कितना दिन तुम कितना दिन सर्वाइव करेगा? When you are being bitten from all sides, our time will come when you also will give up. So, Salman Khan तो खत्म हो गया. शाहरुख खान का कैसा है? शाहरुख खान is somebody कि उसको अगर गोली लगेगा तो सामने से नहीं दिखाएगा, वो बाथरूम में जाके गिरेगा. Because he feels that कि दुनिया के सामने ये दिखाना कि मैं फंस गया हूँ तो वो मेरा ईगो के खिलाफ है. तो समवेयर वो एक ईगो फैक्टर है उसके अंदर, जिसके वजह से वो दिखाना नहीं चाहता कि उसको लगा है, बट उसका भी हालत खराब है. The only thing that is keeping these guys going is the money that is coming from Dubai. Other than that, कुछ नहीं. लोग खत्म हो चुका है. लोग साला सारा ब्लैक मनी और ड्रग का पैसा बॉलीवुड के फिल्मों में लग रहा है, इसलिए इन फिल्मों का बैकआउट होना चाहिए. और ये लोग इतने बड़े माफिया हैं, इतना बड़ा इनका कार्टल है कि इसके बाहर अगर इनकी बात कोई ना सुने या इनके बाहर के लोग हों तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उनकी हत्या करा देते हैं. ये इनको पता नहीं है कि बॉयकॉट बॉलीवुड यानी कि क्या है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ थिएटर विच इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम. मेरे को, मुझे बॉयकॉट करना है, एज सिंपल एज दैट. मैं जाऊंगा ही नहीं वहाँ. तुमको तो कितना खर्चा करना है वो मूवी को हिट बनाने के लिए, तुमको कितना एडवर्टाइजिंग करना है. मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस घर पर बैठना है और यूट्यूब में कुछ और देखना है. मेरा काम हो गया, नुकसान तुम्हारा है. तुमको जोर डालना पड़ रहा है, तुम मुझे नीचा दिखाने को ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि मेरे लिए और भी आसान हो जाता है. मैं तो बॉयकॉट कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ही सिंपल है. उससे भी बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि वो जिन लोगों के दम पे वो ये सोच रहे कि उनका मूवी हिट होगा, वो लोग ही है जो उनका मूवी फ्री में डाउनलोड करके ट्रेन में चलते चलते देख रहे हैं. सो नाउ दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. अभी एलिमिनेट किसको करेगा? एवरीबडी आर ऑनलाइन. सम गाइस सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सम गाइस सिटिंग इन अफ्रीका, सम गाइस सिटिंग इन नाइजीरिया. तुम किसको क्या करेगा यार? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खत्म हो गया है. Now what you are experiencing is, एक वुड कटर अगर एक ट्री को काटने जा रहा है तो तुम उस वुड कटर को पकड़ सकते हो, लेकिन अगर दीमक रात को 2 बजे को झाड़ को चाट के निकल गया तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते हो यार. तुम जितनी मर्जी है एडवर्टीजमेंट कर लो, जो मर्जी है दिखा लो. मालेगांव में पटाखे छोड़े गए, मालेगांव में पूरा दर्शक वाह वाह करने लगा, ये न्यूज चलवा लो, पैसे डाल करके न्यूज चलवा लो, उससे कुछ फायदा नहीं है. जो सुशांत के प्रशंसक हैं देश भर में, करोड़ों लोग
वो घर से निकलेंगे ही नहीं, तुम्हारी तुम्हारे एडवर्टीजमेंट को देखेंगे भी नहीं, उसका तवज्जो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम पैसा फेंक लो। सर आज आपका चैनल जो है, आपका चैनल को इतना जबरदस्त व्यूअरशिप है, 98,000 मैंने लास्ट जो देखा था, ऑलमोस्ट अ मंथ बैक मैंने देखा था, मंथ एंड मोर आपका चैनल का तभी का व्यूअरशिप था 98,000 सब्सक्राइबर्स। अब तो मेरे ख्याल से अभी आपका तो सब्सक्रिप्शन बहुत आगे निकल चुका होगा, तो आप समझो सर कि आप जो कर रहे हो वो कितना लोग पसंद कर रहे हैं। 98,000 तो छोड़ो सर, अगर एक बंदे को 100 फॉलोअर भी मिलना है ना, उसमें भी बहुत मेहनत लगता है। सो सर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई विश यू आई एंड ऑल द पीपल इन दिस कंट्री who want this country to, you know, reach heights and, you know, progress and prosper. All of us are with you. Keep going and be rest assured. All of us are with you and no, aapka koi baal bhi nahi baka kar sakta and aap sahi track pe ho and finally we will win. By all means, we will win. चाहते हैं कि हमारे दर्शक और हमारे जो इस्तेसार वॉरियर हैं, देखने और समझने की बात तो बाद में है, किसी भी सूरत में इस न्याय को हमें लेकर रहना पड़ेगा, किसी भी सूरत में, इससे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जो सचिन, अगर बायकॉट बॉलीवुड हमने कहा है तो हमने कोई गलत बात कह दी?